हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बन रहा है, क्योंकि यार टाइम का बड़ा मसला है। टाइमिंग टाइम मिलता ही नहीं, तो फिर बंदे ने क्या व्लॉगो शिट व्लॉग बोल भी चला गया। टाइम के बड़ा यार प्रॉब्लम है, टाइम की वजह से वीडियो बस बन ही नहीं पाती। अगर बनती भी है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से फिर मैं अपलोड भी नहीं करता। बस यही वजूहात है, यही वजह, और तो कोई वजह नहीं है। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आए करे, डेली वीडियो अपलोड हुआ करे हमारे चैनल पे। लेकिन आप लोगों ने अपना प्यार दिखाना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है दोस्तों, और पूरी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा। वे मिस कर गया, कोशिश तो उसने पूरी की है, लेकिन ना वो मिस कर गया। अच्छी बात है यार, गंदा बोल कहाँ पे आ गया यार। आगे थोड़ी सी प्लेसिंग नेट नेट नेट, नेट। अच्छा दोस्तों, अब ने मुझे बताना है कि नेट की प्रॉब्लम हर जगह पे चल रही है या हमारे साथ ही चल रही है? मुझे तो लगता है हर जगह पे ही चल रही है। ओ यार शिट यार, क्या मसला है? इतना भी नहीं होना चाहिए यार। बहरहाल उसकी गेम अच्छी है, कुछ नहीं कह सकते। उसके पास दो चार पीसें रह गई हैं, और हम अभी हमारे पास काफ़ी पीसें, हमारी दो टोटल गई हैं। मर भी जाओ, इतनी नोटिफिकेशन, कुत्ते का बच्चा। अच्छी वीडियो टाइप हो रही है, अच्छी मर भी जा। ये किसकी कॉल आ गई है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन? वालेकुम। ठीक ठाक। क्या मैं बोल रही हूँ आपकी जिस शॉप में आप मतलब अपना काम करते हैं जी उसकी जी मालकिन? मालकिन जी जी बताइए। मैंने आपसे कहा था कि आपका रेंट नहीं आया इस महीने का। हाँ मुझे पता है, इस महीने का रेंट थोड़ा लेट ही हो गया हमारा। मेरे थोड़े काम के हालात कुछ ऐसे थे, इस वजह से। ये तो है, कंपनी के हालात साइड के इस तरह के हुए हैं, हर तरफ यही हालात है। हाँ जी हाँ जी जी बस यही वजूहत है, और तो कोई वजह नहीं। तो आपको कराया तो भी ऐसा चाहिए था ना, आपको पता है हम लोगों ने भी अपनी हाँ जी ऐसा ही है, मुझे पता है। बस आपका भी सर्किट किराए पे चलता है, लेकिन ना वो इस माह में थोड़ा मसला था, इस वजह से मैंने नहीं दिया पहुँचाया। इस माह कुछ हो नहीं सकता कि बेचना ज़रूरी है? मैंने कहा इस माह कुछ हो नहीं सकता या बेचना ज़रूरी है? आपको पता है हमारा तो घर का सारा सर्कस ये कराई के चलता है। हमारा भी यहाँ पे दुकान के सर पे सारा सर्किट चलता है, बस थोड़ी मसलवार थोड़ी वजह बनी हुई थी, इस वजह से लेट हो गया। हाँ तो फिर अब आप देखिए ना, जिस तरह सबकी जरूरत आपको पता है इसी तरह ही होती है। फिर चले माफ भी कर सकते हैं आप इंसान। नहीं,
माफ़ी नहीं होने, क्या बात आप कह रहे हैं। मैं आपको यही कह रही थी कि आप तो एक दो दिन तक करके ना तो मुझे करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा तो घर का सारा सर्टिफिकेट के साथ चल, हम आपको माफ कर देंगे तो हम खुद खाएंगे पियेंगे क्या करेंगे। खा पी के क्या करना है आप लोगों ने, आ गए आप इतने मोटे हो। मतलब इसका मतलब खाते पीते नहीं है। हाँ तो वो तो मुझे पता है आप लोग खाते पीते हैं। चलें ये है कि इंसान तो इतने 20 साल से आपकी दुकान में हम बैठे हैं, 1 महीने का तो इंसान किराया माफ कर ही देता है। नहीं, माफ करने वाला बात नहीं है। 20 साल से आप बैठे हैं, 20 साल से आराम से करा दे रहे, इसीलिए तो मैं आपको आराम से कह रही हूँ कि आप एक दो दिन के अंदर आप कर दें। आप भी 20 साल से, हमने भी आपको कभी नहीं कहा कि आप हमारी दुकान खाली करें, ये करें या वो करें। हम भी आपके साथ पैसे चले हैं जिससे आप हमारे साथ चार कर रहे हैं। चलें अब थोड़ा बहुत तो हमारे साथ आप करें ना, ये थोड़ा कि अब आपको पता है मार्केट की हालात बहुत डाउन है। वो तो भाई आप ठीक बात कर रहे हैं, मार्केट के हालात तो बाकी भी डाउन है, पर आप दूसरों के हालात से भी वाकिफ होना चाहिए। हाँ तो फिर आपको पता है मजबूरी है, मेरी बीवी का खर्चा भरा है तो मैं क्या करूँ। उसके भाई की शादी थी, यकीन माने आप, उसने इतनी शॉपिंग की है कि मेरी कमर टूट गई है। हाँ तो आपने उसको मना करना था, जब आपके अंदर इतनी नहीं है कि वो आप इतना आप से नहीं फोन कर सकते, तो आप उसको कह नहीं सकते कि तुम हिसाब से कपड़े लेकर आए, हिसाब से ये सब कुछ करो। लेकिन मैं क्या करूं, वो मुझे कहती थी मेरे भाई की शादी है, मेरा एक एक भाई है तो मैंने धूमधाम से ये वो, तो मैं क्या करता, वो मुझे बातें ही इतनी सुनाती थी, तो फिर मैंने मजबूरी को करना। हाँ तो जब आपको पता था उसका भाई की शादी है, तो आप पहले कोई कमेटी वगैरह डाल देते, कोई ऐसा वैसा कुछ कोई इंतजाम करके रखते। इंसान को अपने बुरे हालात का पहले इंतजाम करके रखना चाहिए। हाँ तो वो तो आपकी बात सही है, आपको पता है बीवियाँ होती है ऐसी हैं, वो ऐसे ही करती हैं, वो सोचती नहीं है तो अब। नहीं बीवियां ऐसी नहीं करती, मर्दों को हर चीज का ख्याल रखना चाहिए ना। ये आप बीवियों पे बात ना नहीं कराएं, बीवियों की बात नहीं होती। उन्होंने तो उन्होंने किससे मांगना होता, अपने शोहरों से मांगना था, बाहर से किसी से जाकर लेना होता है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने तो वैसे ही आपको एक कहा है कि मैंने तो इस वजह से मैंने कराया लेट हुआ है, क्यों मेरी बीवी ने मेरा खर्चा करवा दिया, तो बस यही वजह हुई है। हाँ हाँ तो यार मैं क्या करूँ, मैं तो खुद बड़ा परेशान, 24 घंटे एसी चलाई रखती है, बिल इतना आया, दुकान का भी इतना बिल आया, मैं दुकान पे एसी नहीं चलाता, वो घर चला के बैठी रहती है, तो मैं बड़ा ही परेशान हूँ। घंटे बंद कर ले, फिर 2 घंटे चला ले, 2 घंटे बंद कर ले, इस नहीं तरह चला ले। उसे मैं कहता हूँ तो वो कहती है मैं चलाती नहीं हूँ, तो यकीन माने 1,20,000 रुपया बिल आया हुआ था घर का, तो मैंने कहा ये तो, कहती है वो आपकी अम्मी चलाती है, वो मेरी अम्मी पे बात डाल देती है। हाँ तो आपने एक दफा मम्मी से भी पूछ के देख लेना था। तो मेरी अम्मी तो इतना चलाती नहीं, उन्हें सर्दी लगती है, वो बुजुर्ग हैं इतनी बड़ी एज के, अब मैं क्या करूँ उसका। तो चलो आप। मैंने कहा एक मसला है तो फिर यहाँ पे तो 1,000 मसले इकट्ठे होंगे। हाँ जी तो वो बस मेरी बीवी थोड़ा मसला कर रही है, ऊपर से उसके भाई की शादी है, तो उसने मुझे ये कहा है कि वो आपने उसे एसी लगवा के देना, तो मैंने कहा ये तो गलत बात है ना फिर। अच्छा वो भी कह रही है बीवी के, और मेरे भाई की जो है ना मतलब शादी है ना, तो उसके कमरे में ना एसी लगवाना है, तो वो आपने लगवा के देना, मेरी अम्मी ने कहा है। क्या आवाज सकते कट हो गई है? नहीं वो बस पता नहीं, अब मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, तो आप थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कि 2-3 दिनों तक भेजने, इतना मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, अब ये माफ के बाद कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती।
आपकी बात सही है। अब मैं क्या करूं, बीवी मेरी ऐसी है, वो मेरे पे शक भी बड़ा करती है। अगर मैं से कोई चीज़ ना लेके दूं तो वो मुझे कहती है आप भाई लड़कियों को लेके देते हैं। मैं तो करते इस तरह में सीधे सीधे बात करनी होगी। क्या मैंने कहा लड़के करते इस तरह इसलिए उसने आपको एक बात करनी होगी। लड़के क्या इस तरह करते हैं, आप ही इसका साथ दे रही हो। मैं साथ नहीं रही हूँ, औरत होने के नाते हर बात का अपने पर सोच कर फिर जवाब दे रही हूँ। तो देख लो कितनी गलत बात है, आपको मैं अपनी मजबूरियां बता रहा हूँ और आपके साथ मैं अपना दुख सुख बोल रहा हूँ और आप मुझे कह रही हो कि आप करती है ऐसे हो मर्द। मतलब इसका मतलब ये तो है ना कि मैं अब होने के नाते औरत की बेइज्जती करूँ। ये देख लें, फिर मैंने तो आपको अपना दुख सुख बताया है कि चलें आप मेरे पे थोड़ा रहम करें। हाँ तो मैं तो रहम कर ही रही हूँ, पर रहम मैंने क्या करना, रहम तो नकला करने वाला है। हाँ तो चलें फिर ये आप, तो आप नकला से रहम मांगे। मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि आप 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे करके भेज दें, क्योंकि आपको पता है हमारा भी घर सारा इसके सर पे चलता है, किराए के सर पे। हमारा भी कोई कमाने वाला नहीं है। मैं तो क्यों आप लोग ढूंढ रहे हो? क्या मतलब, वैसे मैं कुछ नहीं, किसी और को कहा है मैंने। सही, यहाँ आपका भी घर इसी पे चलता है तो अच्छी बात है ना। चलें 1 महीना आप लोग ना कुछ खाना पीना। ये कैसे हो सकता है कि हमें कुछ खाना पीना ना। चलें आप थोड़ा तो मेरा एहसास करो ना, 1 महीना मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। 20 साल से आपकी दुकान में हम रह रहे हैं, 20 साल से आपको किराए दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको 20 साल का किराया माफ कर दूं, इसका तो ही ना। तो आप भी तो 20 साल से हमारी दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा 1 साल मेरी दुकान ना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका किराया भी दे, इसका आप कर सकते हैं। हाँ तो फिर देख लें, मैंने तो आपको बताया है कि थोड़ा सा रहम कर दो हमारे पे। मैंने भी आपको बताया ना कि आप 1 साल दुकान खाली कर दे, लेकिन उसका किराया दे। आप अगर इस तरह करते तो मैं आपको 1 महीने का किराया माफ कर देती। हाँ तो चलें आप ये करते हैं कि किराया माफ़ करते हैं इस महीने का, अगले महीने आपको टाइम से किराया मिल जाएगा। वो तो मुझे पता था मुझे टाइम से मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे ये भी बताए ना कि आप इस महीने का माफ तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप आधा इस महीने दे दें, आधा अगले महीने के साथ दे देना। बस मैं इतना ही आपसे के साथ कर सकती हूँ। नहीं, आधा उदे वाला काम, आधे वाला काम नहीं होना है, पूरा ही माफ करो। ये भी नहीं होना जिससे आप कह रहे, इस तरह नहीं होना। तो फिर किस तरह होना है खुद ही बता दो। मैंने आपको बता तो दिया है कि आप कैसे कहते हैं आधे महीने का मतलब आधा किराया आप भेज दें और आधा अगले महीने के साथ किराया भेज देना। चलें आप 1 महीना फिर मेरे कहने पे भूख ही रह लें, कुछ नहीं होता। आप लोगों का थोड़ा वजन भी कम होगा, नहीं, आप नहीं मसल मोटे लोगों में बीमारियां भी इतनी होती हैं। नहीं, आप छोड़ दो बीमारी में, हमारा मस्त है, हम लोग मोटे हैं या पतले जो भी है, लेकिन आपने ये मुझे किराया भेजना है। आप देख लें फिर आप ऐसे करेंगी मेरे साथ। ऐसे कैसे, जैसे अब चल रहे वैसे ही चल रहे ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि सबको छोड़ दे इस तरह, हम गिर लेंगे तो आप तो फिर हर महीने यही हमें बहाने सुनाएंगे। तो फिर आप फिर मेरे साथ ऐसा करें, फ्रेंडशिप कर लें। फ्रेंडशिप करके क्या हुआ, चलें ये होगा कि किराया थोड़ा माफ हो जाएगा, मैं दुकान दुकान का मालिक बन जाऊंगा। आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा रहने दे, मैं नहीं फ्रेंडशिप करती। क्यों आप क्यों नहीं करते? हाँ तो जब मुझ में से आदत नहीं है तो मैं किस तरह करूँ, आदत बना लो ना। कैसे बनाऊं। तुमने अभी खुद ही तो कहा है कि मर्द ऐसे ही करते हैं, तो फिर अब करो। मैं हाँ तो मैंने भी एक औरत होने के नाते आपको सारी बातें कही हैं कि मर्द इसी तरह करते हैं। चलो फिर 1 महीना भूखे रहो।
ऐश नहीं लगा बस होगा। चलो मैंने किसी के हाथ नहीं भेजना, पर हाल इस महीने का किराया नहीं है, बस इस महीने का किराया नहीं देना, ये मेरी जिद है। चलो ठीक है, आप ना मुझे करा देना, भेजते हैं फिर वैसे किसी को, फिर वो खुद ही आके आपसे ले लेंगे। जाओ भेजो, जिससे मर्जी जो होता है कर लो। चलो ठीक है, ठीक तो है, फिर बाद में आपको करके दिखाती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आप जो होता है करके दिखाना, तो मैं देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, अब आपको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, जब दुकान खाली होगी ना फिर आपको पता ओ चलेगा। निकलो निकलो, मुझे धमकियां ना लगाओ, बड़ी दुकान है हमारे पास। चले बड़ी दुकानें जो है ना उनमें जाके बैठे। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब किराया लेके दिखाना है तुमने, और दुकान खाली करा के ठीक है, दिखाना दिखाऊंगी सब कुछ करके दिखाऊंगी, है। चलो क्योंकि आप ठीक, दिखा रहे नहीं जानते क्या है क्या नहीं। चलो ठीक है, अब मेरे साथ ज्यादा बकवास ना करो। ओके, अल्लाह हाफिज। बकवास वाली बातें ना, आपने यही बकवास वाली बातें करनी होती है, ऐसे ही करते हैं सारे। मैंने क्यों कहा है कि मर्द है, होते कैसे हैं। चलो ठीक है, आप ज्यादा मेरे साथ शौकी ना हो, ठीक है। ओके, मुझे जरूरत भी नहीं कोई शौकी होने की, मैं करने लगी फोन बात। बहन चोत कुत्ती।